नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, हम लोग टाइम एंड वर्क का बेसिक हम लोगों ने देखा था। इस क्लास में हम लोग आगे उससे जो भी क्वेश्चन किए थे हम लोग आगे करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कल वाले में छोड़ रखा था कि कैसे उसको करना है। तो जैसे ये एक क्वेश्चन है आपका, ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ये 20 दिनों में कर सकते हैं। तो ए अकेले, बी अकेले, सी अकेले अगर काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त करेगा, ए अकेले कितने दिन में करेगा, बी अकेले कितने दिन में करेगा, सी अकेले कितने दिन। तो इसमें हम लोगों को बेसिकली करना क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को कल सिखाया था कि हमें पहला काम क्या करना होगा कि सबका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ये एक्चुअली कल वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो आगे चीज़ें बतानी थी वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो इसका आपने एलसीएम ले लिया, कितना आया, 60 ले लिया। और ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन का काम इनका कितना हो जाएगा, 5 यूनिट होगा। और इनका बी और सी का 4 यूनिट होगा, और सी और ए का कितना होगा, 3 यूनिट होगा। तो कल मैंने आप लोगों को सिखाया था कि डायरेक्ट ए बी सी कैसे होगा, 2ABC करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 + 4 + 3 = 12। तो आपका 2ABC 12 आया है। तो अगर ABC की बात करेंगे तो ये कितना आएगा, 6 आएगा। तो अब आपसे पूछा क्या है कि ए अकेले कितने दिन में करेगा, ये वाला क्वेश्चन। ए अकेले दिन, तो आपको मैंने कल सिखाया था कि जिसका भी टाइम पूछेगा, ए का टाइम पूछा है तो आपको टोटल वर्क अपॉन ए की इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी, तो आपका टोटल ए की इफिशियंसी यहाँ से निकालना होगा। तो आपको ए की इफिशियंसी कैसे निकलेगी, यानी कि यहाँ पर अगर हम बी और सी की वैल्यू अगर 4 रख देते हैं तो ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, ए की इफिशियंसी आ जाएगी 2। तो ए की इफिशियंसी 2 आ गई। तो अगर इस वाले इक्वेशन में हम यहाँ पर ए और ए बी की कितनी इफिशियंसी है, 5 है। तो अगर ये की ए प्लस बी की 5 है तो ए का 2 है, तो हम ए की वैल्यू रख देंगे तो बी का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इस बी की वैल्यू इसमें सी वाले में रख देंगे, बी और सी में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 है बी और सी का, तो बी का कितना आया, अकेले 3 है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सी का 1 आ जाएगा। तो अब आपसे पूछा है ए का टाइम, यानी कि टोटल वर्क कितना है, 60 है। तो 60/2 तो कितना आ जाएगा, 30 डेज। यानी कि ए का जो आया वो कितने दिन में करेंगे, ख़त्म करेगा, 30 दिन में। अगर मैं बात करें बी का, तो बी का क्या हो जाएगा, 60/3 तो कितना हो जाएगा, 20 डेज। तो यानी कि इसका बी का कितना, 20। अगर हम बात करते हैं सी कितने दिन में करेगा, तो इसका भी वही करेंगे कि टोटल वर्क अपन सी की इफिशियंसी, तो टोटल वर्क कितना है, 60। तो सी की इफिशियंसी कितना निकाले यहाँ से, देखिए यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया है 1। तो यानी कि इसका कितना आएगा, 60 डेज। तो यानी कि सी की जो एफिशिएंसी आ गई वो कितना आ गया, 60 डेज, सॉरी सी 6 का, सी का कितना दिन काम करेगा, कितने दिन में, 60 डे में करेगा, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 1 थी। तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन जो भी अगर एक अकेले पूछे तो आपको करना होगा। आगे हम देखते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके SSC CGL में, ये देखिए कैसे करना है। देखिए ए और बी कितने दिन में, 10 दिन में, बी और सी कितने दिन में, 15 दिन में, सी और ये 20 दिन में। यदि सी अकेले काम करे उसी कार्य को तो कितना दिन में, देखिए मैंने आप लोगों को कल बताया था कि इसमें जरूरी नहीं है कि ए प्लस बी प्लस सी का ही पूछे, उसमें कुछ भी पूछ सकता है, ए का भी पूछ सकता है, बी का भी पूछ सकता है, सी का पूछ सकता है, जब भी पूछेगा आपका अकेले का पूछेगा एक क्वेश्चन, यानी कि सी का, यानी कि सी की आपको इफिशियंसी मालूम होनी चाहिए, तभी तो आप निकालोगे। यानी कि इसका आपको एलसीएम कितना हो गया, 60। यानी कि इसका जो टोटल वर्क आपका आ गया वो कितना आ गया, 60 आ गया। और ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन का इनका काम कितना हो गया, 6 यूनिट, इनका 4, और इनका कितना हो गया, 3 यूनिट। यानी कि अब आपका आ गया ए
मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 6 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 13। तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी की बात करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगी, तीनों की एफिशिएंसी 13/2 है। तो अगर हम तीनों का पूछता तो हम इससे 13/2 से डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पर उसने क्या पूछा है, सी अकेले कितने दिन में करेगा, तो आपको सी की एफिशिएंसी मालूम होनी चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर ये, अगर ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आपको मालूम है, तो अगर आप ए और बी का ये 6 वैल्यू यहाँ पर अगर आप पुट कर देते हो तो आपका आ जाएगा, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, यानी कि 13/2 माइनस 6, तो आपका कितना आ गया, 13/2 माइनस 6, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1/2 आ गई सी की एफिशिएंसी। तो आपका टोटल वर्क हम लोगों ने क्या निकाला था, 60 निकाला था। अब डिवाइड करेंगे सी के, यानी कि टाइम टेकन बाई सी, यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया, 60 बाई 1/2 कितना आ गया, 120 डे। अगर सी की बात करेंगे कितने दिन में करेगा, तो 120 डेज में। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका बी ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं, आगे सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ए और बी कितने दिन में करेगा, 8 दिन में कर रहा है। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। और ए बी और सी कितने दिन में, 6। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, ए और सी का दिया था, आपसे पूछा क्या था, ए बी सी या इसमें से ए या बी या सी पूछ रहा था। तो यहाँ पर क्या दिया है, ए बी सी का दिया है और इसमें ए और सी का पूछा है। तो अब आपको पहला काम क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा, उससे आपको सबकी अलग अलग इफिशेंसी निकालनी होगी। तो मान लीजिए एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 24, यही आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। तो 24 टोटल वर्क हो गया, तो 8 दिन में कर रहे हैं ए और बी, तो इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 यूनिट, इनका 2 यूनिट, इनका 4 यूनिट। तो आपका ए बी और सी का कितना है, 4 यूनिट है। अब आपको ए और सी का पूछा है, तो अब आपको ए और सी का आपको इफिशेंसी मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ से तो आप कैसे निकालोगे, यानी कि पहले आपको ए का निकालना होगा, फिर यहाँ पर सी का निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बी और सी की वैल्यू रख देते हैं, बी और सी का कितना है, 2 है, तो ए का कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। और इसमें अब आपको क्या चाहिए, सी की चाहिए, तो सी का अगर हम यहाँ पर ए और बी की रख देते हैं तो आपका सी क्या आ जाएगी, ए और बी का कितना है, 3 है। अगर हम 3 रख देते हैं तो आपका सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी कि ए और सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। अब मैंने आप लोगों को सिखाया है कि जिससे जिसका भी टाइम पूछेगा, यानी कि ए और सी का टाइम पूछेगा, तो आपको टोटल वर्क अपॉन ए और सी की एफिशिएंसी से डिवाइड करना है। तो टोटल वर्क आपका कितना, 24, तो आपको 3 से डिवाइड करना होगा, कितना आ गया, 8 डे। यानी कि आपको समझ में आया, यानी कि आगे देखते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब देखिए किसी कार्य ए और बी और सी किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, यानी कि देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, सिंपल सा, ए और बी और सी कितने दिन में, 30 दिन में। ए और बी कितने दिन में, 50 दिन में। अब पूछा है सी अकेले, यानी कि ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा और सी की एफिशिएंसी निकालनी होगी। एलसीएम कितना आ जाएगा, 150। और ए और बी और सी मिलकर 30 दिन में 150 यूनिट कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट करेंगे, 5 यूनिट करेंगे। ये कितना करेंगे, 3 यूनिट करेंगे। तो यानी कि ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। और आपका ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट है। तो यानी कि अगर हम बात ए और बी की यहाँ पर रख दें तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2 आ गई। तो यानी कि अब आपको 150 में 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपका सी का कितना समय लगेगा, आपका आ जाएगा 75 डेज। यानी कि कौन सा आंसर है भाई, आपका बी ऑप्शन। समझ में आया, तो चलिए इसी, यानी कि अब आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी होगा आप लोग कर ले जाओगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं तो थोड़ा नेक्स्ट टाइप थोड़ा सा चेंज करता है क्वेश्चन, कैसे करते हैं। यानी कि देखिए अब हम लोग, पहले मैंने आप लोगों को पहली क्लास में मैंने ये वाले क्वेश्चन सिखाया हूँ कि ए कितने दिन में, 12 है,
बी कितने दिन में, 15 दिन कर सकता है। तो अब पिछले क्वेश्चन में क्या था कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, और यहाँ पर क्या है, दोनों ने एक साथ 5 दिन तक कार्य किया, तब बी ने कार्य छोड़ दिया, तो बचा हुआ कार्य ये कितने दिन में समाप्त करेगा। तो अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन पहले जैसा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है, कार्य छोड़ने वाली है, यानी कि थोड़ा सा चेंजेस है, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो यानी कि 60 यूनिट आपका टोटल वर्क है, ये कितने दिन में कर रहा, 12 दिन में कर रहा, तो एक दिन में कितना, 5 यूनिट करेगा, और बी कितना करेगा, 4 यूनिट करेगा। तो ए और बी ने कितने दिन तक काम किया भाई, 5 दिन तक किया, अपने कार्य क्षमता से किया होगा, तो यानी कि 5 इफिशियंसी इसकी और 4 इफिशियंसी इसकी, यानी कि 9 इफिशियंसी से कितने दिन तक कार्य किया, 5 दिन तक कार्य किया। फिर उसके बाद बी ने कार्य कितना काम इन लोगों ने समाप्त कर दिया, 45 काम इन लोगों ने समाप्त कर दिया। अब बचा आपका क्या भाई, 60 में से 45 निकल गया, अब बचा 15। अब 15 काम को कौन करेगा, बचा हुआ कार्य यहाँ पर दे रखा है कौन, ए। तो यानी कि ए को अपनी कार्य क्षमता से करेगा, यानी कि ए की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है, तो यानी कि 15 से और 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 डेज। तो यानी कि बचा हुआ कार्य कितने दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन है आपका, पहला ही है। चलिए आगे देखते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको क्या करना है आपको, वीडियो को रोकना है और अपने से सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व हो गया, चलिए देखते हैं। तो यानी कि ये कितने दिन में, 18 दिन में, बी 24 दिन में। अब उसमें क्या था, दोनों ने एक साथ 8 दिन तक कार्य किया, सेम वही काम करना है आपको, एलसीएम लेना है, एलसीएम कितना हो गया, 72, यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया, 72 हो गया। अब दोनों ने एक साथ कितने दिन तक कार्य किया आपका, 8 दिन तक किया, तो यानी कि एक दिन का इसका काम 4, इसका 3, यानी कि ए और बी का आपको 8 दिन लेना, 8 दिन का काम करवाना है, यानी कि 8 दिन आपको अपनी इफिशियंसी से करेंगे, तो 8 × 7 यानी कि 4 इसकी इफिशियंसी और 3 इसकी इफिशियंसी, तो कितने काम कर देंगे, 56 यूनिट कर देंगे, 56 यूनिट कर देंगे, तो बचेगा कितना, 72 में से आप 56 घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 16, यानी कि 16 यूनिट आपका काम बच गया है। अब आपको कौन करेगा, बी करेगा, बी अपने कार्य क्षमता से करेगा, तो यानी कि बी 3 यूनिट से करेगा, यानी कि 16/3, अगर बी द्वारा समय पूछेगा तो यानी कि सिक्सटीन बाई थ्री, तो आपका कितना आएगा, 5/1/3, यानी कि कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। चलिए इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखना, आपको क्वेश्चन को समझना है और आगे वाले क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करने की कोशिश करना है। चलिए देखिए, ये किसी कार्य को बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ए किसी कार्य को 6 दिन में, बी उसी कार्य को कितने दिन में, 12 दिन में कर सकता, दोनों ने एक साथ 3 दिन तक कार्य किया, तब ए ने कार्य छोड़ दिया, तो पूरा कार्य, यहाँ ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, पूरा कार्य। आप जल्दीबाजी में क्या करोगे, बचे हुए कार्य को लगा के टिक करोगे, तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। ए का कितना है, 6 यूनिट, बी सॉरी 6 दिन, बी 12 दिन में करता, तो पहला काम वही करना है आपको, एलसीएम कैसे, बहुत सिंपल है, 12 निकाल लिए, यानी कि ए कितना, 2 यूनिट करेगा और ये 1 यूनिट करेगा। तो अब आपको क्या करना है, दोनों को एक साथ आपको 3 दिन तक काम कराना है, कितनी इफिशियंसी से, 3, क्योंकि 2 ए की है और बी की 1 है, यानी कितना काम कर देंगे, 9। अब बचा हुआ कार्य कितना, 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना काम बचेगा, 3 काम बचेगा, तो आपका 3 यूनिट काम बचा है, जिसको पूरा कौन करेगा, ये करेगा, ये अपनी एफिशिएंसीज करेगा, यानी कि 3/2 सॉरी ए ने छोड़ दिया है तो इसको कौन करेगा, बी पूरा करेगा, यानी कि बी अपनी एफिशिएंसीज करेगा, यानी कि 1, तो इसका कितना आएगा, 3 दिन। अब आपको पूरा कार्य पूछा है, यानी कि 3 दिन तो पहले किए थे ये लोग और 3 दिन बाद में कर रहे हैं, यानी कि 3+3 कितना आ गया, 6 दिन में पूरा कार्य समाप्त होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे ही है, बस इसमें क्या है कि ए बी सी 3 है, ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में,
बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, सी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, तो यानी कि इसका एलसीएम आप लोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, ए का कितना आएगा 6, बी का 5 और सी का 4, ये आपका क्या आ गया वर्क एफिशिएंसी। तो यानी कि ए बी और सी को अगर एक दिन में काम कराऊंगा तो ये लोग कितना काम करेंगे, 15 यूनिट काम करेंगे। उन्होंने क्या बी और सी, देखिए अगर तीनों करते तो 15 यूनिट करते, लेकिन यहाँ पर क्या दिया, बी और सी ने कार्य आरंभ किया, यानी कि बी और सी कितने से करेंगे, 5+4 यानी कि 9 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से ये काम करेंगे। तीनों ने 3 दिन तक कार्य किया, यानी कि 9 × 3 कितना हो गया, 27। अब बचा हुआ कार्य को इन्होंने छोड़ दिया, यानी कितना काम बचेगा भाई, 60 में से 27 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा, 3 इधर से 3, तो आपका 33 काम आ गया। तो अब इसको ए ने सॉरी इसको ए ने समाप्त करना है, यानी कि ए का कितना है 6, आपका फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका 6 × 5 = 3/6 यानी कि 5/1/2 यानी कि कितना आ गया, 5/1/2 यानी कि जो इसमें ऑप्शन में है नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं, ए और बी उसी टाइप का है क्वेश्चन, यानी कि ए और बी कितने दिन में करेंगे, 30 दिन में कर रहे हैं भाई, और बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में कर रहे हैं, सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। यानी कि अब कह रहा तीनों ने एक साथ कितने दिन तक कार्य किया, 10 दिन तक कार्य किया। अब आपको वही काम करना है कि पहला एलसीएम लेना है, एलसीएम कितना हो गया, 120 हो गया, यानी कि ए और बी कितने दिन में, 30 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन का इनका काम कितना, 4 यूनिट, इनका बी और सी का 5 यूनिट, सी और ए का कितना यूनिट, 6 यूनिट। तो यानी कि बात करें यहाँ पर ए और बी और सी दो, 2ABC डायरेक्ट मैंने आप लोगों को सिखा रखा है कि कैसे निकलता है, यानी कि कितना हो जाएगा, 9, 6, 4, 4+5+6 यानी कि 15। यानी कि अगर बात करेंगे ए बी और सी की, यानी कि 15/2 क्या आ जाएगा, 15/2 आ जाएगा। तो ये लोग कितने दिन तक काम किए हैं, 10 दिन तक काम किए हैं, ठीक है, यानी कि ए बी सी यानी कि 10 दिन का काम करा लेंगे ए बी सी का, यानी कि 15/2 × 10 यानी कि कितना काम कर लेंगे, 75 काम, यानी कि 75 यूनिट काम कर लेंगे तो आपका बचेगा कितना, 120 में से 75 घटा लेंगे तो बचेगा कितना, 45। अब 45 को अब इसमें बी और सी छोड़ दिए हैं काम को, अब कौन कर रहा है, 45 काम को कौन करेगा, 45 यूनिट ए करेगा। तो ये जो है अपनी इफिशियंसी करेगा, ए की इफिशियंसी कितनी है, यहां से आपको निकालना पड़ेगा, ए की इफिशियंसी आपको कैसे निकालना होगा, बी और सी की वैल्यू यहां पर डायरेक्ट आपको पुट करना होगा, यानी कि बी और सी की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यानी कि 5 यहां पर बी और सी का 5 रख देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 15/2 − 5 तो आपका सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5/2 यानी कि ए की जो इफिशियंसी जो आई है वो क्या आई, 5/2 यानी कि 45 काम को करना है तो 45 करो 5/2 इफिशियंसी करेगा तो कितना आएगा, 18 दिन। यानी कि जो बचा हुआ कार्य को ये कितने दिन में कर रहा, 18 दिन में। तो देखिए इसी तरीके से हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने कल सीखा था आपका बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन, आज मैंने उसी का अगला टाइप क्या करवाया था कि ए बी सी यानी कि कर रहे हैं फिर बीच में छोड़ रहा है, आगे हम लोग देखेंगे कि इतने दिन बाद छोड़ रहा है और इतने दिन पहले छोड़ रहा है, पहले और बाद वाले दोनों क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। तो आज का इतना ही हम करेंगे, तो आप लोग
कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अगर फास्ट हो रही है या लेक्चर आपको फास्ट लग रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, मैं इसको थोड़ा सा और स्लो करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अपने दोस्तों से ये वीडियो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ये तो मुझे कहना ना पड़े, आप लोग करते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।